अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम फाइन, थैंक यू। आज मैं आपको जो चीज़ सिखा रही हूँ वो है स्लीव। ठीक है, स्लीव और शर्ट की मुकम्मल कटिंग आज मैं सिखाऊंगी। पहले मैं इसका ड्राफ्ट बनाना सिखा चुकी हूँ, ठीक है, और आज मैं इसकी मुकम्मल स्टिचिंग सिखाऊंगी। ठीक है, इनको कैसे स्टिच किया जाता है और कैसे कटिंग की जाती है, तो आप देखते रहना मेरे चैनल को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लीलन का कपड़ा है और हम इसकी शर्ट बना रहे हैं। सबसे पहले आपने शर्ट का फ्रंट साइड लेना है। ये देखें, ये मैंने इसकी फ्रंट साइड ली। इसके ऊपर जो है नेक लाइन जो है ये बना हुआ है, तो इसको अभी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। और ये देखें, आपने इसको सबसे पहले ऐसे करके तय लगाना है। ऐसे आपने इसकी तय लगा लेनी है और आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, क्योंकि प्रेस करने से हमारे जो कपड़े होते हैं वो आसानी से एक जगह पे जमे रहते हैं, जिसकी वजह से कोई दुश्वारी नहीं आती इनको कटिंग करने में और इनकी ड्राफ्टिंग करने में। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है, इसके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं। आपने देख लेना है कि आपको कौन सा डिजाइन इसके ऊपर चाहिए, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से इसकी जो है ड्राफ्टिंग करनी है। तो मैं इसकी एक साइड से ये जो सेंटर में है ऐसे करके इसको मोड़ लूंगी और फिर बाकी जो साइड वाला कपड़ा होगा वो मैं निकाल दूंगी। ठीक हो गया। ये रही स्लीव। स्लीव को आपने अच्छे से प्रेस करना है, ठीक है, सेंटर से आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको पिनअप कर लिया अच्छे से। ये देखें, ऐसे करके आपने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक दूसरे के ऊपर बिछा देनी है और आपने ऐसे अच्छे से पिनअप कर लेना है। ठीक हो गया। और फिर आपने पैटर्न के साथ साथ आपने इसको कटिंग कर लेना है। इससे जो हमारी शर्ट होगी वो आसानी से कटिंग हो जाएगी और हमें किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आती, आप बिगनर हैं, तो आप इस तरह आसानी से अपनी शर्ट जो है वो कटिंग कर सकती हैं। ये देखें, जब आपके पास पैटर्न जो है वो बना हुआ होगा तो आपको कोई डर नहीं होगा कि कपड़ा जो है ख़राब ना हो जाए या इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, अब आपने ऐसे आसानी से इसे कटिंग कर लिया। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। आपने इसकी फिटिंग के निशान ऐसे लगाने हैं। ये देखें, ऐसे आपने पेंसिल लगानी है और जहाँ जहाँ फिटिंग आ रही है तो वहीं वहीं पर आप निशान लगाती जाएंगी और फिर आप स्केल लेकर स्केल की हेल्प से आपने इसकी लाइनिंग लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें, ऐसे आसानी से आपका जो है ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो जाएगा और साथ फिटिंग भी ऐसे करके आसानी से हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने फ्रंट साइड कर लिया है। अब आपने फ्रंट साइड की जो आर्म होल है उसी तरह उसके भी निशान लगा लेने हैं पेंसिल की हेल्प से, और जब निशान नीचे डॉट की शक्ल बन जाएंगे तो आपने इनको अच्छे से पहले ड्रा करना है और फिर आपने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ऐसे आसानी से हमारी शर्ट जो है वो कटिंग हो जाएगी। आप चाहें तो आप ड्राफ्टिंग भी कर सकती हैं, उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब ये देखें, मैंने स्लीव जो है वो एक स्लीव पहले ली और उसको प्रेस किया और फिर दूसरी लेकर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर इसके ऊपर मैंने अपना पैटर्न सेट किया और फिर मैंने इसको पिनअप कर दिया। ये देखें, आपने इसको ऐसे करके कर लेना है। इससे बहुत आसानी से हम कटिंग कर सकते हैं कोई भी चीज, चाहे कोई भी डिजाइन हो, तो आप इसी तरह उसको पहले पैटर्न पे बनाएंगी और फिर आप इजी तरीके से उसे लगाकर कटिंग कर सकती हैं। ये देखें, हमारी स्लीव कितनी नीट तरीके से कटिंग हो गई है। ये
ये बहुत आसान तरीका है। बस इसको सिर्फ आपको जो मुश्किल पेश आएगी वो सिर्फ पैटर्न में होगी। जितने आप पैटर्न में आपकी सफाई आती जाएगी तो आपकी शर्ट जो है वो आसानी से कटिंग हो जाएगी और उसमें भी आपकी नीटनेस आ जाएगी। ये देखें, अब मैंने जो है अब अंदर वाली साइड जो है वो कटिंग करनी है। पहले मैंने एक साइड जो है वो उलट दी और सेंटर में से दोनों जो हैं ये देखें ये ले लिए और मैंने इसके ऊपर निशान लगा दिया। आपने ये ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ अंदर वाले जो हैं दो साइड वो लेनी है, ठीक है। ऊपर वाली और नीचे वाली साइड जो है वो आपने नहीं लेनी और आपने इसको ऐसे कटिंग कर देना है। ये हमारी स्लीव जो है ये तैयार हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा। चले तो अब आगे शुरू करती हूँ। आगे मैं इसको सिलाई करने का तरीका बताती हूँ कि इसको कैसे सिलाई किया जाए। सबसे पहले मैंने स्लीव लिया और स्लीव को मैंने ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से प्रेस कर लिया, इधर से भी और इधर से भी। अब मैं इनको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी। ये पाइपिंग जो है वो मैंने मार्केट से ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये देखिए, आपने ऐसे करके इसको सारी पाइपिंग कर लेनी है स्लीव के आगे भी। और फिर आगे बताती हूँ आपको। ये देखें, ऐसे करके मैंने इस एक स्लीव को कंप्लीट किया। अब मैं दूसरी स्लीव लूंगी और इसके बॉटम पर भी मैं पाइपिंग अटैच कर लूंगी। आप चाहें तो आप आगे से सिलाई लगा सकती हैं या कुछ भी लगा सकती हैं। ये हो गई कंप्लीट। अब मैं इसके आगे जो है देखें आगे मैं क्या करती हूँ इसको। सबसे पहले मैंने स्लीव ली, ठीक है। ये देखें, मैंने इसको इस्त्री कर लिया और आयरन किया और अच्छे से फिर मैंने इसके ऊपर तुरपाई कर ली। तुरपाई की एक और वीडियो है जो मैंने तुरपाई सिखाई है, वो भी आप गाइडलाइन ले सकती हैं उससे भी। और ऐसे करके आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है। ये देखें, ये हो गई कंप्लीट। इससे हमारी नीटनेस आएगी और ऊपर सिलाई जो है वो शो नहीं होगी जो हम मशीन से लगाएंगे। ऐसे ही आपने इसको कंप्लीट करना है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर मशीन की सिलाई भी लगा सकती हैं। ऐसे ही मैं आपको सारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये देखें, सबसे पहले आपने स्लीव लेने और स्लीव के ऊपर आपने फिर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, हमारी एक सिलाई लग गई है। अब आपने इधर से थोड़ा सा फोल्ड करना है जैसे कि मैंने किया है। इसका ट्राइंगल बनाना है और ये देखें, इसी तरह आपने बॉटम के आगे भी स्लीव का ट्राइंगल बनाते हुए इसको ऐसे कर लेना है। इससे हमारे जो है सिलाई वो नजर नहीं आएगी। ये देखें, मेरी दोनों जो स्लीव हैं ये आगे से भी और सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं इनको साइड पे रख दूंगी। ये नेक लाइन, इसको बनाने के मैं दो तरीके बताती हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले इसके नीचे चकोर पेपर फ्यूजन रख देना है अगर आपने पाइपिंग करनी है तो, ठीक है। पेपर फ्यूजन रखेंगी और आपने इधर सिलाई लगा देनी है साथ साथ, और उसके बाद आपने इसका धागा जो है वो निकालते हुए लगानी है, ठीक है। तो इससे डिजाइन जो है वो छप जाएगा और आसानी से आप इसको कटिंग करके और इसकी पाइपिंग कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। दूसरा तरीका ये है कि आपने पेपर फ्यूजन लेनी है और आपने एक पेंसिल ले लेनी है, ठीक है। पेंसिल की हेल्प से आप ऐसे लाइन लगा देंगी, सख्त सी पेंसिल लेनी है, ठीक है। और उससे आप जब निशान लगाएंगी तो वो नीचे डिज़ाइन छप जाएगा और आपने उसको कटिंग कर लेना है, ठीक है।
ये देखिए, मैं दोनों तरीके आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने कपड़ा लेना है और इसको इसके पीछे रखना है। चाहे आप चेपी लगा रहे हैं तो वो तो फुल चेपी होगी और ऊपर डिज़ाइन होगा तो वो छपा हुआ होगा कि इतना हमने लेना है, ठीक है, उससे अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने जो है पाइपिंग नहीं करनी, तो मैं सादा सादा लगाऊंगी, इसलिए मैं चेपी के साथ साथ लगाऊंगी सिलाई। और अगर आपने पाइपिंग करनी है तो आप इसको ऊपर लगाएंगी, चेपी के ऊपर, ठीक है, ऊपर सिलाई लगाएंगी। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें, आपने इसको साइड से कटिंग कर लेना है 0.5 इंच का फासला रखते हुए, और फिर आपने इसके ऊपर कट लगा देने हैं। सेम आपने दूसरी तरफ से भी कट कर लेना है। अब आपने इसको जब सीधा करना है, अगर आपने पाइपिंग के साथ साथ किया होगा तो आपकी इधर पाइपिंग बन जाएगी, और ऐसे करके आपने कपड़े के साथ सिलाई लगा देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। अब आपने 0.5 इंच का फासला रखते हुए इसको कटिंग करके इसके ऊपर आपने प्रेस लगाकर इसकी तुपाई कर देनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकती हैं। ये हमारा जो नेक लाइन है ये तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ बैक गला। आपने इन दोनों को ऐसे करके रख लेना है, ठीक है, फ्रंट और बैक को, फ्रंट के और बैक हिस्से को शर्ट के ऐसे करके रख कर आपने एक चकोर सा बॉक्स बनाना है, ठीक है, और आपने इसकी गुलाई कर देनी है, फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए, अब मैं इसको लगाना बताती हूँ। ऐसे करके आपने साइड रखनी है और आपने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है। अब सेम इसी तरह आपने दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है। बैक गले के लिए आपने जब कपड़ा लेना है, आपने एक चौकोर बॉक्स बनाते हुए आपने उसका ट्रायंगल बना लेना है, और आपने एक इंच उसमें से निकाल कर बैक गले पर लगा देना है, और इस तरह बैक गले को तैयार कर लेना है, ठीक है। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी स्लीव अटैच करने का, ठीक है, आगे देखते रहें मेरी वीडियो। शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा कम्प्लीट हो गया है। अब मैंने कमीज साइड से बंद करनी है, फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। इसकी फिटिंग वाली सिलाई शर्ट की लगाने के लिए मैं जो मैंने निशान लगाए थे उनके ऊपर मैं सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करूंगी। ये देखें, आपने इधर स्टॉप करना है ऐसे, और फिर आपने ये देखें, मैं अब आपको इसका बताती हूँ कि ये हमारी जो दूसरी साइड है इसको हम फिटिंग कैसे देंगे। ये देखें, आपने इसको आराम से ऐसे रखना है, ठीक है, आपने धागा सेट करना है, और जब आपने इधर कमर पर आना है, ये देखें, आपने इधर से थोड़ा सा राउंड करना है, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आपने तकोन नहीं बनाना, थोड़ा सा राउंड करते हुए आपने इधर ऐसे करके इसको कंप्लीट करना है, और यहाँ पर आपने इसको लॉक लगा देना है ताकि हमारी जो सिलाई है वो यहाँ से खुले ना, ठीक है। ऐसे करके आपने दो तीन बार इसको अच्छे से मजबूती से पक्का कर देना है। अब ये देखें, अब ये वाली जो साइड है इसको आपने बैक साइड पर टर्न करना है, ठीक है, बैक साइड पर टर्न करते हुए आपने इसका ट्रायंगल बनाना है। ये देखें, मैंने इसको ट्रायंगल शेप दे ली है। ये ऐसे करके आपने इसको कंप्लीट करते हुए इसकी कटिंग करनी है थ्रेड की, और इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने ट्रायंगल बना लेना है। आप चाहे तो बनाएं, चाहे तो आप इसको अंदर की तरफ मोड़ दें, ठीक है। इस तरह बनाने से ये होता है कि वो थोड़ा सा कपड़ा जो होता है वो इधर से मोटा होता है, तो वो दोनों जो कपड़े होते हैं वो थोड़े मोटे ना लगें। अब ये देखें, आपने स्लीव लेनी है। अब मैं आपको स्लीव अटैच करना बताती हूँ कि इसको कैसे अटैच करते हैं। वैसे मैं पहले एक स्लीव अटैच करना सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ऐसे करके आपने स्लीव लेनी है, और आपने सारी जो है वो अंदर आर्म होल की तरफ कर लेनी है। आर्म होल की तरफ करते हुए आपने इसको
सेट कर लेना है अच्छे से। और ये जो सिलाइयां हैं ये बैक साइड पे करते हुए आपने बैक साइड पे कर देनी है। आप चाहें तो इधर से भी लगा सकती हैं और चाहें तो ऊपर से भी, शोल्डर से भी आप सिलाई लगा सकती हैं। मैं इधर से लेते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करूंगी। और यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो कपड़े हैं वो आपने शोल्डर वाले उनको बैक साइड पे आपने टर्न करते हुए सिलाई लगानी है। और ये ऐसे हमारी जो स्लीव है ये अटैच हो चुकी है आर्म होल के साथ। ये देखें ऐसे हमारी आसानी से हो जाती है और बार बार कपड़ा भी नहीं निकालना पड़ता। अब दूसरी स्लीव जो है ये मैं अटैच करना बताऊंगी कि इसको भी कैसे अटैच करना है। ये देखें आपने इधर से भी आप इसको अंदर की तरफ करते हुए आपने इसको आर्म होल वाली साइड पर कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप सुई की हेल्प से भी इसको बड़े बड़े जो हैं बखिये लगाकर, ठीक है, बड़ा बड़ा करके और फिर आप इसके ऊपर मशीन से सिलाई कर सकती हैं। इससे भी नीटनेस आ जाएगी। ये देखें इस तरह आपने इसको अटैच कर लेना है। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला स्लीव अटैच करने का तरीका कैसा लगा। स्लीव हम बाद में अटैच करते हैं क्योंकि इस पे खींचना पड़े, ठीक है, और आसानी से हम पहन सकते हैं। ये देखें ये हो गई है तैयार। सबसे पहले मैंने जो है शर्ट का घेर इसके ऊपर मैंने अच्छे से प्रेस लगा ली है और जितना मैंने कपड़ा रखना था वो मैंने रख लिया, ठीक है। अब मैं फुट को चेंज करूंगी। ये देखें आपने ऐसे करके इसको चेंज करना है। मेरा आसानी से हो जाता है, बाज जो होते हैं उनको पिचकस की मदद से अच्छे से खोलना पड़ता है और फिर लगाना पड़ता है, ठीक है। मैं पहले इसका थ्रेड जो है वो सेट कर लूँ। आपने थ्रेड जो है वो जिस कलर की आप पाइपिंग कर रही होंगी उसी कलर का जब आप सिलाई करेंगी स्टिचिंग करेंगी तो उसी कलर का आपने यूज करना है थ्रेड। जैसे कि मैं इसके ऊपर पिंक कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ तो मैं पिंक कलर का थ्रेड यूज करते हुए इसका लगाऊंगी। और नीचे आप कोई भी रख सकती हैं तो मैं नीचे जो है वो कपड़े के साथ का ले रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें आपने ऐसे करके लेना है, ठीक है, और जहाँ से शर्ट जो है वो बंद होती है ये वाली साइड इससे एक इंच आपने ऊपर करके लेना है और यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इसको मजबूत कर देना है यहाँ से। मैं एक साइड लगा के दिखाऊंगी। ऐसे करके आपने इसको अच्छे से लगा लेना है। और साथ साथ सेट करते जाना है। मैं जो है इसकी बैक साइड पे मैं तुरपाई करूंगी, ठीक है। आप चाहें तो आप सिलाई लगा सकती हैं, ठीक है।
अगर हम इसको प्रेस करके लगाएंगे तो हमें इसकी जो सेंटर है उसका अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि सेंटर किस किस किधर है, ठीक है, और किस तरफ है इसका, क्योंकि एक कपड़ा जो है वो थोड़ा सा हो जाता है, उसकी एक फोल्ड आ जाती है और फिर हम उसके ऊपर जो है पाइपिंग जो है वो आसानी से लगा लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी कपड़ा हो तो इसी तरह आप इसको फोल्ड कर कर और इसके ऊपर पाइपिंग जो है अटैच कर सकती हैं। ये देखें, अब सेम आपने इसी को इधर से कट करते हुए, ठीक है, इसको मैंने पहले से कट कर लिया, ये देखें अब इस तरह आपने इसको लगा देना है। ये देखें हमारी शर्ट जो है बनकर तैयार हो गई है और ये इसके फ्लावर जो हैं, ये देखें, ये बैक साइड जो है, ये बैक साइड मैंने ऐसे करके ली है, ठीक है, ये मैंने लैंप जो है ये इस तरफ लिया है, ठीक है, ये देखें, और यहाँ से मैंने इसका जो है ये लिया है ताकि इसका सेंटर में फ्लावर आए, ठीक है। ये रहा शर्ट का फ्रंट साइड और नेक डिजाइन और ये रही इसकी स्लीव, ठीक है, ऐसे ये हो गया है कंप्लीट। बताइएगा जरूर आप सबको ये कैसी लगी स्टिचिंग और मेथड कैसा लगा, ठीक है, मेरे बताने का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबकी दुआओं के साथ। प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा अगर आप न्यू हैं तो, और अल्लाह हाफिज़।